गति लेखन अभ्यास 4 60 प्रति मिनट। सभापति जी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय दो नारे हमारे देशवासियों को सुनने को मिले, एक लखनऊ से और दूसरा इंदौर से। लखनऊ में तिलक ने यह नारा लगाया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इंदौर से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने कुछ समय पश्चात ही यह नारा लगाया कि हिंदी का प्रश्न स्वराज के प्रश्न से कहीं अधिक बड़ा है। आगे चलकर ये दोनों नारे साथ साथ मिलकर चले और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दोनों ही अंश बन गए। श्रीमन, यह देश का सौभाग्य था कि जो साहित्यिक क्षेत्र के नेता थे वही नेता राजनीति की बागडोर भी अपने हाथ में लेकर चल रहे थे। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ और जब स्वतंत्र होने के पश्चात देश की राजभाषा बनाने का निर्णय होने लगा तो उसी पृष्ठभूमि में हमने यह निश्चय किया कि स्वाधीन भारत में 15 वर्ष के पश्चात हिंदी राजभाषा घोषित की जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने दो दृष्टि बिंदु थे। एक तो इसलिए उन्होंने यह मार्ग चुनना स्वीकार किया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रबंध समिति में इतनी अव्यवस्था फैल गई थी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने मार्ग से और अपने उद्देश्य से भटक गया था। पर्याप्त दिनों तक प्रतीक्षा की गई कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता कुछ सावधानी और समझदारी से काम लेंगे, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो विवश होकर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी चीज यह है कि सरकार ने संविधान में हिंदी जो राजभाषा के पद पर आसीन करने के लिए यह निश्चय लिया कि इस कार्य को अपने हाथ में ले और हिंदी की प्रगति को आगे बढ़ाए।